आमिर खान के अगेंस्ट में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए बोला जा रहा है। फिल्म को कोई देखा नहीं, उसमें क्या दिखाया गया क्या नहीं। अब रोही या देशभक्त हो सकता है, वो एक दो बिंदुओं पर वो डिपेंड कर रहा है। जो सालों से लोग कर रहे हैं उनको लोग भूल जाते हैं एक कमेंट या एक स्टेटमेंट के लेकर। मूवी कैसी लगी? मूवी अच्छी लगी। नहीं, मूवी तो अच्छी है, बॉयकॉट क्यों करना? आपको मन है तो देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मूवी। ओवरऑल अच्छी है, और क्या बोलते हैं, पुराना याद से लेके नया याद तक है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आफ्टर लाइक विल वॉच देन विल कंसिडर कैसा है। जो बॉयकॉट करने की बात कर रही है उस पर क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बिना देखे ऐसे जजमेंटल होने का चीज़ नहीं है। सुबह बच्चों का स्कूल था, देखने नहीं आ पाया। फर्स्ट शो फर्स्ट देखने का मूड था, लेकिन अभी आया हूँ और मुझे पता है आमिर खान ने जस्टिस किया होगा। हाँ, थोड़ा अडेप्टेशन करना पड़ता, उस तरह के वल्गर सीन या उस तरह की मेंटेलिटी इंडियन ऑडियंस की है नहीं है, तो आप उसको उससे कंपेयर मत कीजिए, इसको एज ए ओरिजिनल देखिए। क्योंकि टॉम हैंक्स का जो ये था फॉरेस्ट गंप, वो ओरिजिनल नहीं था, वो एक नॉवल से अडेप्ट था। मुझे जो पसंद मैं वो करता हूँ ना, जितना ज़्यादा ये इसका बॉयकॉट हुआ है इसलिए मैं और इंस्पायर होकर मैंने देखी उस मूवी को। आमिर खान हाँ, बहुत बड़े फैन। नहीं, वैसा कुछ नहीं होता, जिसको देखना वो देखेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा। वैसे भी हम टिकट ले रहे हैं, अपने पैसे से ले रहे हैं, किसी के बोलने से हम ले चाहे नहीं ले, वो कौन होता है डिसाइड करने वाला। नहीं, पिक्चर वैसे अच्छी है, ऐसा नहीं कि हम आमिर खान के फैन इसलिए आए हैं। अच्छी पिक्चर होगी तो ज़रूर देखेंगे, और इनकी पिक्चर तो वैसे भी हमेशा अलग हट के रहती है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग आमिर खान के फैन हैं, और कोई भी मूवी को मतलब कोई भी रिलीजन के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। कोई भी मूवी हो उसको हम लोग इंजॉय करने के लिए, मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, किसी का धर्म धर्म के सोच के नहीं आते। इसमें कहना क्या है, मूवी है एंटरटेनमेंट के लिए है, एक मौका मिला है फैमिली को साथ आने के लिए, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर एंड एंजॉय, एंड वी शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन बॉयकॉटिंग और समथिंग। बॉयकॉट की वजह से थोड़ा हाईलाइट हो जाता है मूवी, तो जस्ट सी क्या है स्टोरी, और आमिर खान के फैन तो है ही। नमस्कार, हम पहुंचे हैं रांची के फन सिनेमा में। आज लाल सिंह चड्ढा रिलीज होनी थी और आज रिलीज हो गई है मूवी। अब हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि एक तरफ जहां मूवी को बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी, लोग फिल्म के बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है इस मूवी को देखने पहुंचे हैं और कई लोगों ने मूवी को देख भी लिया है। जिन लोगों ने मूवी देख लिया है उनसे हम जानेंगे मूवी का रिव्यू कि उन्हें कैसी लगी, ये मूवी कैसी लगी, और जो लोग अभी मूवी देखने जा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जब इतनी नेगेटिव चर्चा है उस बीच उन्होंने टिकट कैसे लिया, कैसे उन्हें ये फिल्म देखने की जो है मन उन्होंने बनाई है। आए लोगों से बातें करते हैं। एक तरफ जहां लोग बॉयकॉट की बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मूवी देखने आ रहे हैं, तो क्या अलग है? नहीं नहीं, एक्चुअली पैरेलल है, फॉरेस्ट गंप के ही रीमेक है, बट इंडियन वर्जन में बहुत अच्छी है, मतलब इट्स गुड, इमोशंस है, स्टोरी अच्छी है। और जी, मूवी कैसी रही? अच्छी थी, अच्छी थी। अच्छा, लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मूवी देखने पहुंच रहे हैं, कैसा मतलब कुछ डिफरेंट क्या? नहीं, मूवी तो अच्छी है, बॉयकॉट क्यों करना? आपको मन है तो देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। लोग क्यों उस तरह की नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे, लोग क्यों बॉयकॉट करने? मेरे को आइडिया नहीं है, सॉरी। आपको कैसे? मेरे को तो अच्छी लगी, फैमिली मूवी है। मूवी कैसी लगी? मूवी अच्छी लगी। बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे वो देखिए गलत फहमी है सबका, लेकिन पिक्चर जो मूवी है बहुत अच्छा है और अच्छा लगा हम लोगों तो जो लगा। कैसे लगी भाई साहब मूवी, कैसे लगी? इधर आई, अच्छा लगे मूवी। क्यों बॉयकॉट करने? पता नहीं क्यों बॉयकॉट। कैसी लगी मूवी, कैसे लगी? ठीक है मूवी। कैसी, क्यों देखना चाहिए लोगों को, क्यों आना चाहिए, बॉयकॉट क्यों नहीं करना? रोल अच्छा है इसलिए ठीक है। मैडम मूवी कैसी? ठीक है। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा सुनिए, लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे उस बीच में इतने लोग पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से मूवी ठीक है। हाँ ठीक है सर। मूवी कैसी लगी, लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे और इसी बीच इतने लोग पहुंचे मूवी देखने, कैसा? मूवी तो कम ही लोग देख रहे थे, उतना हॉल तो ज्यादा नहीं था, मूवी तो ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि नहीं मूवी देखने से पता चलेगा उनको, ऐसा कुछ नेगेटिव तो है नहीं। आमिर खान का रोल ठीक है, अच्छा। मैडम मूवी देखी आपने? देखी, बहुत अच्छा। वो मेरा छोटा बच्चा अब जा रहा है। मैडम मूवी कैसी? अच्छी है। क्या कहेंगे, लोग इसको बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे, भीड़ नहीं हो रही है, कम लोग? सबका अपना अपना नज़रिया है, देखेंगे तो ही समझेंगे। ऐसे पिक्चर अच्छा है, अच्छा है, बोर होने नहीं दिया, नहीं बोर होने।
देखनी चाहिए लोगों को मूवी? हाँ ऑफ कोर्स, एक बार तो देखना चाहिए। और लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। देखिए हमें लगता है कि लोगों की बात सुन के ओपिनियन देने से अच्छा है कि आप खुद देखो उसके बाद ओपिनियन दो, वो बेटर रहेगा। क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं डेफिनेटली हम तो बॉयकॉट जैसे तो नहीं सोच लगा हमें। सर मूवी देख, मूवी ओवरऑल अच्छी है और क्या बोलते हैं, पुराना याद से लेके नया याद तक है, आदमी को देखना चाहिए। सबका अलग अलग व्यू है, अलग अलग सोच है, और भीड़ होना नहीं होना जिनको देखना है उनको आना चाहिए तभी, और नेगेटिव फीडबैक उसके बाद फीडबैक देना चाहिए, और भीड़ होना नहीं होना। अभी सीजन टाइम चल रहा है, इतना त्यौहार पर्व, इसलिए मे बी दैट रीज़न। ऐसे ओवरऑल मतलब पुराना याद भी आ रहा है, एक मिक्सचर ऑफ मूवी है। हाँ कोई पर्टिकुलर कुछ मैसेज नहीं है, मतलब पुराना याद आ रहा है, ये भी हुआ था वो भी हुआ था, ऐसे ही मूवी कट गया 3 घंटा। लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, लगातार ट्रेंड हो रहा था कि बॉयकॉट करना चाहिए, क्या क्या नेगेटिव? अपना ऊपर है, हमको तो ठीक लगा, आगे भी दिखा पीछे भी दिखा, ओवरऑल यही है। अभी अपना अपना सोच है, नेगेटिव सोचने से नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होगा। आमिर खान का रोल देखिए, ये रोल कुछ नहीं है, ये चीज़ देखिए जो हुआ चीज़ वही है, उसी को दिखाया, वो हीरो है, उनको किसी को तो कैरेक्टर में आना चाहिए, एज अ कैरेक्टर वो आए हैं। लाल सिंह चड्ढा देखने जी, लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उसी बीच लाल सिंह चड्ढा देखने को कैसा है? वैसा कोई बात नहीं है बॉयकॉट करने का, फिल्म अच्छा होगा ऐसा लगता है, अब देखने के बाद पता चलेगा फिल्म कैसा है। क्या कहेंगे लोग जिस तरह से नेगेटिव कमेंट्स? अब लोगों के ठीक है वो तो बोलेंगे, अब अपने अपने सोच होते हैं। सही बात है, मूवी देखनी जी, मूवी तो सुपर हिट करेगा, बात तो सही है। आपने देखी नहीं तो कैसे? फिल्म का ट्रेलर देखे है ना मैम। इस तरह से नेगेटिव जो ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, क्या लगता है क्यों चल रहा है, क्यों इस तरह से आमिर खान के अगेंस्ट में लोग इतना कह रहे हैं? आमिर खान के अगेंस्ट में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए बोला जा रहा है। अब फिल्म को कोई देखा नहीं, उसमें क्या दिखाया गया क्या नहीं, अब फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं, ऐसे किसी के बारे में भी बोलना गलत होगा। मेरा कहना यह है कि पहले आप देखिए फिर बायकॉट कीजिए, पहले किसी चीज़ को देख लेना चाहिए फिर अपना ओपिनियन बताना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे सर जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं? नो कमेंट सर प्लीज। क्या कहेंगे मैडम जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं? नो कमेंट, देख के आने के बाद रिव्यू देता हूँ मैं। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, आफ्टर लाइक विल वॉच देन विल कंसिडर कैसा है। जो बॉयकॉट करने की बात कर रही है उस पर क्या? नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, बिना देखे ऐसे जजमेंटल होने का चीज़ नहीं है। सर क्या कहेंगे? ओके क्या कहेंगे सर जिस तरह से बॉयकॉट करने की लाल सिंह चड्ढा को बात? एक्चुअली आई एम अ अटमोस्ट फैन ऑफ टॉम हैंक्स, आई हैव सीन दिस मूवी इन 1998। ओरिजिनल मैंने देखा है एंड इट टेक लॉट ऑफ करेज टू मेक अ रीमेक ऑफ सच ए फिल्म एंड ओनली आमिर खान कैन डू दिस। सुबह बच्चों का स्कूल था, देखने नहीं आ पाया, फर्स्ट शो फर्स्ट देखने का मूड था, लेकिन अभी आया हूँ और मुझे पता है आमिर खान ने जस्टिस किया होगा। हाँ थोड़ा अडेप्टेशन करना पड़ता, उस तरह के वल्गर सीन या उस तरह की मेंटेलिटी इंडियन ऑडियंस की है नहीं है, तो आप उसको उससे कंपेयर मत कीजिए, इसको एज ए ओरिजिनल देखिए। क्योंकि टॉम हैंक्स का जो ये था फॉरेस्ट गंप, वो ओरिजिनल नहीं था, वो एक नॉवल से अडेप्ट था। तो अगर आप टॉम हैंक्स का फॉरेस्ट गंप को ओरिजिनल मानते हैं तो वो ओरिजिनल नहीं था, वो एक नॉवल से अडेप्ट था, और ये भी उस नॉवल से अडेप्ट है इंडियन कल्चर। तो आप इसको ये मत मानिए कि एक रीमेक है, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, और आमिर खान का परफॉर्मेंस तो सबने देखा ही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा को, इसी बीच बहुत सारे लोग मूवी देखने पहुँच रहे हैं, क्या मुझे तो लगता है कि बॉयकॉट वाली बात तो मुझे तो नहीं लगता। आमिर खान जो है परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, बहुत अच्छी उन्होंने अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं इंडिया को, बॉलीवुड को, तो मुझे तो नहीं लगता है सब कुछ होना चाहिए, नहीं बॉयकॉट तो नहीं होना चाहिए। मुझे जो पसंद है मैं वो करता हूँ ना, जितना ज़्यादा ये इसका बॉयकॉट हुआ है इसलिए मैं और इंस्पायर होकर मैंने देखी उस मूवी को। आमिर खान हाँ बहुत बड़े फैन है। क्या कहें जिस तरह की सुर्खियाँ बटोरी है मूवी? नहीं वैसा कुछ नहीं होता, जिसको देखना वो देखेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा। वैसे भी हम टिकट ले रहे हैं अपने पैसे से ले रहे हैं, किसी के बोलने से हम ले चाहे नहीं ले, वो कौन होता है डिसाइड करने वाले, हमको देखना है जी।
नहीं, पिक्चर वैसे अच्छी है, ऐसा नहीं कि हम आमिर खान के फैन इसलिए आए हैं, अच्छी पिक्चर होगी तो ज़रूर देखेंगे, और इनकी पिक्चर तो वैसे भी हमेशा अलग हट कर रहती है। देखिए कहना क्या है, आमिर खान की मूवी ऐसे भी देखते ही हैं, और देखना चाहते हैं कहानी क्या है, बस उसी बेसिस पे देखने जा रहे हैं। वो तो हर मूवी में, इसका पीके भी आया था उसमें भी यही कहानी था, अब इसमें भी वही कहानी है, अब देखा जाए, पहले देख लेते फिर पता चलेगा। आमिर खान के फैन है इसलिए आए हैं या फिर और कोर्ट की चर्चा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग आमिर खान के फैन हैं, और कोई भी मूवी को मतलब कोई भी रिलीजन के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, कोई भी मूवी हो उसको हम लोग इंजॉय करने के लिए, मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, किसी का धर्म उर्म के सोच के नहीं आते, हम लोग उसके फैन हैं इसीलिए आए हैं। लोगों से क्या कहेंगे जो लोग बॉयकॉट करने के बाद? हम लोग उसको अपील करेंगे कि उसको धर्म के नज़रिए से ना देखा जाए, उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए आए और देखे ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें कहना क्या है, मूवी है एंटरटेनमेंट के लिए है, एक मौका मिला है फैमिलीज को साथ आने के लिए, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर एंड एंजॉय, एंड वी शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन बॉयकॉटिंग और समथिंग, एवरीवन इज़ वर्किंग टुवर्ड्स देयर गोल एंड एम्बिशन, सो व्हाई शुड वी बॉयकॉट समथिंग व्हिच डज नॉट होल्ड एनी मीनिंग। क्यों कर रहे हैं? I don't know what they are thinking about all of these, but like I think like we are all learned individuals and we too have some responsibility toward each other. So Aamir Khan ke fan hai isliye aaye hain movie dekhne ya fir boycott ki charcha hai? Nahi, boycott ki charcha hai, thoda highlight ho jata hai movie, to just see kya hai story, aur Aamir Khan ke fan to hai hi. Kya kahenge log jis tarah se negative comments? I don't have much idea about this movie, let me watch then I'll comment. क्या कहेंगे सर, लोग बहुत बॉयकॉट की चर्चा कर रहे हैं, हैशटैग चल रहा है, अभी तक ट्रेंड चल रहा है, ये तो लोगों के सोच पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से देख रहे हैं, हम लोग तो एज ए प्रोफेशनल जो उन्होंने मूवी बनाया तो हम इंजॉय करने जा रहे हैं, कि कैसा उन्होंने काम किया, हम लोग बस उस पर जज करेंगे। लोग जिस तरह से आमिर खान को देशद्रोही कहते हैं या कहते हैं कि देश विरोधी हैं, इस तरह की चीज़ें कहते हैं, क्या जेल में होना चाहिए था? थैंक यू। देशद्रोही या देशभक्त हो सकता है, वो एक दो बिंदुओं पर वो डिपेंड कर रहा है, जो सालों से लोग कर रहे हैं उनको लोग भूल जाते हैं एक कमेंट या एक स्टेटमेंट के लेकर, तो आई थिंक लाइक ऑल ऑफ अस शुड होल्ड आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल इंस्टेड ऑफ लाइक कमेंटिंग ऑन समवन एल्स। कहेंगे कि मूवी देखनी चाहिए? हाँ हाँ, जरूर देखनी चाहिए, अब तो पहले देखते हैं क्या है, बहुत एक्सपेक्टेशन है क्योंकि बहुत दिनों के बाद आमिर खान की मूवी आई है, तो लेट्स सी। द फॉलो अप डॉट इन लाइक Share and subscribe www.thefollowup.in